प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज एक बार फिर प्रस्तुत हो एक नए कंटेंट के साथ, और जिसमें कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट क्लास 11 एंड 12 अकाउंटेंसी सिलेबस फॉर टर्म टू। तो जिस तरह मैंने आपको टर्म वन का सिलेबस दिया था और मैंने आप सभी से वादा किया था कि टर्म टू का भी सिलेबस मैं उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो आज इस वीडियो की मदद से मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके अकाउंटेंसी में क्लास 11th एंड 12th बोथ द क्लासेस के लिए क्या सिलेबस हैं जो आपको पढ़ने हैं फॉर द सेशन 21-22। और ख़ास हाईलाइट करना है मुझे आज के इस वीडियो में अबाउट द रिलेटेड टॉपिक्स। तो बने रहे वीडियो के अंत तक, पूरा जरूर देखिएगा वीडियो, आपको हर एक पॉइंट का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एज वेल एज रिलेटेड टॉपिक का लिस्ट ढंग से दिखाई देगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। सो आइए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट अवे अबाउट टर्म टू सिलेबस, लेकिन सबसे पहले क्लास 11 से। तो देखिए क्लास 11 के सिलेबस की अगर हम बात करते हैं, तो जैसा आप सभी को मालूम है कि हमने टर्म वन का एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है जो कि 40 मार्क्स का था, एंड टर्म टू का भी सिलेबस 40 मार्क्स का ही है ना, और जिसमें कि रिमेनिंग पोर्शंस आने हैं और जो टर्म वन के एग्जामिनेशन में सिलेबस थे वो अब रिपीट नहीं होने हैं। ये सभी के लिए एक राहत की बात है। तो सबसे पहले आते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसमें सीबीसी का वेटेज है 10 मार्क्स का। सेकेंड पार्टनरशिप फर्म की अगर बात करते हैं तो इसमें आता है सिर्फ दो ही हिस्सा, एक है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर और दूसरा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, और इन दोनों का कंबाइन जो वेटेज है वो 12 मार्क्स का है। तो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग पोर्शन है आप देख सकते हो। और उसके बाद आता है कंपनीज अकाउंट, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर को कैरी करता है 8 मार्क्स। तो वैसे तो 8 मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं लगते हैं, लेकिन सिर्फ अगर एक चैप्टर को पढ़कर 8 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं आप, तो डेफिनेटली एक स्कोरिंग चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर्स। और अगर पार्ट बी की बात करते हैं, तो जैसा कि पार्ट वन में हुआ था टर्म वन में कि पार्ट बी से 10 मार्क्स आ चुके थे, तो अब टर्म टू में भी पार्ट बी से 10 मार्क्स ही आने हैं, जिसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी का पोर्शन इंक्लूडेड है। और उसमें भी क्या क्या है आइए हम डिटेल में उसको भी देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो अब उसके अंदर का पार्ट है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट, उसके बाद आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इस तरह से इन दो हिस्सों को पढ़ करके हम 10 मार्क्स ऑप्टेन कर सकते हैं, यानी ये भी स्कोरिंग पोर्शन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरे सिलेबस के बाइफर्केशन को, तो आपको ये समझ में आने लगेगा कि ये जो टर्म टू का सिलेबस है हम सबके लिए काफ़ी स्कोरिंग है और काफ़ी कम समय में ख़त्म होने वाला भी सिलेबस है। अच्छा, और जिन लोगों ने पार्ट बी के जगह पार्ट सी ऑप्ट किया यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, तो उनका सिलेबस है यूजिंग कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो अब हम बात करेंगे अपने इस वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में अबाउट द डिलीटेड पोर्शन। तो इससे पहले कि हम फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंटेंट्स की बात करें, उसके पहले हम बात करेंगे डिलीटेड पोर्शन कौन कौन से हैं हमारे 12th के टर्म टू के सिलेबस में से। तो ये रहा एक स्नैप अबाउट द डिलीटेड पोर्शन। तो आप देख सकते हैं पार्ट ए में अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज को लेकर के ये लिस्ट है डिलीटेड टॉपिक्स का, जिसमें आप देख पा रहे हैं कहीं भी एनपीओस का जिक्र नहीं है, यानी एनपीओस में से कुछ भी डिलीटेड नहीं है। अगर हम बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, जो कि टर्म वन में कवर अप हो चुका है, तो इसको खैर अब छोड़ देते हैं क्योंकि ये अब हमारा मुद्दा नहीं है नाउ। अब हमारा मुद्दा रिटायरमेंट है और डेथ है एज वेल एज डिसोल्यूशन। तो रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन की अगर हम बात करें तो डिलीटेड क्या है, तो ये डिलीटेड है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर, और प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड हिज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। और अगर बात करते हैं कंपनीज अकाउंट, जिसमें कि शेयर्स डिबेंचर्स सब थे, जिनमें से डिबेंचर्स का जो लास्ट चैप्टर है जिसको कहा जाता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसके अंदर मेथड्स की बात होती है लमसम एंड ड्रॉज ऑफ लॉट्स, यानी एक तरह से कहा जाए तो डिबेंचर का पूरा एक आखिरी का चैप्टर डिलीट हो चुका है। तो ये हो गया हमारे डिलीशन टॉपिक का लिस्ट। अब हम बात करेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट द वेरियस सिलेबस, क्योंकि हमें जानना बहुत जरूरी है कि हम हर चैप्टर में एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ें। डिलीटेड का तो लिस्ट आपने देख लिया, लेकिन जो पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है ये भी उतना ही जरूरी है जितना ये जानना जरूरी था कि डिलीटेड क्या है। देखिए, बात हम पहले करेंगे एनपीओ से।
एनपीओज में हमें पढ़ना है बेसिक कॉन्सेप्ट यानी थ्योरी अबाउट एनपीओज, देन रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स एंड उसका फॉर्मेट यानी उसका प्रिपरेशन, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के भी फीचर्स पढ़ने हैं, उसके प्रिपरेशन को पढ़ना है, एंड देन बैलेंस शीट के बारे में जानना होगा, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट विद एडिशनल इन्फॉर्मेशन। यानी कि अपने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करें तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट को बनाना है विद द हेल्प ऑफ रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जिसमें कुछ बातें बताई गई हैं कि मैक्सिमम 3 या 4 एडजस्टमेंट ही मिलेंगे बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि साफ साफ सीबीसी का इंडिकेशन है कि एडजस्टमेंट इन अ क्वेश्चन शुड नॉट एक्सीड 3 to 4 इन नंबर्स एंड रिस्ट्रिक्टेड टू सब्सक्रिप्शन कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स एंड सेल ऑफ असेट्स ओल्ड मटेरियल्स। यानी क्लियर देखो लिखा है, आप सब लोग ध्यान से देखिए कि जो एडजस्टमेंट्स होंगे वो किस जगह से होंगे वो भी कंफर्म है, सब्सक्रिप्शन के होंगे, कंज्यूमेबल गुड्स के होंगे, सेल ऑफ असेट्स एंड ओल्ड मटेरियल्स के होंगे। एंट्रेंस और एडमिशन फीस के बारे में कुछ बातें बताई गई कि उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, आमतौर पर उसको रेवेन्यू रिसिट्स मानना है अनलेस उसके बारे में कुछ ना बताया गया हो। देन ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ इंसिडेंटल एक्टिविटीज, ये हमारे क्वेश्चन के सिलेबस में मतलब नहीं आएगा, इसको नहीं प्रिपेयर करना है। और बाकी और डिटेल्स में आप जाओगे तो यहाँ डिटेल्स में आपको इस तरफ और भी बताया गया है, जिसको कि मैं अननेसेसरी इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अदरवाइज वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो फाइनली यहां डिलीटेड क्या है, अगर ये सवाल आपके मन में है तो एनपीओ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप फर्म की। तो पार्टनरशिप फर्म में जो टर्म 2 का सिलेबस आता है उसमें पहला आता है रिटायरमेंट ऑफ एंड डेथ ऑफ पार्टनर। उसके पहले के सारे पोर्शन हमने टर्म 1 में कवर किए थे। तो रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर में हमें क्या पढ़ना है, तो इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर ऑन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। मतलब रिटायरमेंट हो या डेथ, दोनों ही केसेस में चेंज इन रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के बारे में पढ़ना है, एक्यूमुलेटेड ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजर्व्स एंड बैलेंस शीट। ठीक है, ये हो गया रिटायरमेंट के बारे में। और जब बात करते हैं डेथ की तो आता है वहां पर कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। यानी कि डेथ के चैप्टर में हमें बेसिकली यही पढ़ना है कि जो डिजीज्ड पार्टनर है उस डिजीज्ड पार्टनर के केसेस में जो शेयर ऑफ प्रॉफिट उसका होता है कैलकुलेट करना, वही हमारे सिलेबस का पार्ट है। और बाकी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे रखा है, वो डिटेल में एक्सप्लेनेशन आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं कि डेथ के केसेस में हमें ये जानना है कि डेवलप करना है स्किल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर। ठीक है, डिजीज पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कैलकुलेट करना ये हमारा सिलेबस है। नाउ अब हम बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। तो अब बात करते हैं डिलीटेड क्या है। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो रिमेनिंग पार्टनर्स के होंगे वो डिलीटेड है, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर्स का और डिजीज पार्टनर का वो भी डिलीटेड है, और प्रिपरेशन ऑफ डिजीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। यानी अगर इन डिलीशन के पोर्शंस को अगर हम बहुत ध्यान से बारीकी से समझें तो बात एक बात समझ में आने लगेगी आपको कि ऑलमोस्ट रिटायरमेंट का तो हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि उसमें से डिलीट क्या हुआ है, एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल का पोर्शन। लेकिन अगर बात हम अदर फैक्टर्स की अदर चीज़ों की करें तो रिटायरमेंट में एक छोटा सा हिस्सा था लोन अकाउंट, वो भी डिलीट हो गया। तो रिटायरमेंट में काफ़ी कुछ डिलीट हो गया। और अगर डेथ की बात करते हैं तो डेथ में तो इतना कुछ डिलीट हो गया कि डेथ में कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि डेथ में हम बनाते थे डिजीज पार्टनर का लोन अकाउंट, वो भी डिलीट हो गया। फिर डिजीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते थे वो भी डिलीटेड है, एज वेल एज उसका एग्जीक्यूटर अकाउंट भी डिलीटेड है। यानी कि डेथ ऑफ अ पार्टनर में कुछ खास बचा ही नहीं, और कहे तो सिर्फ यही बचा है जो आप देख पा रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ डिजीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ। तो मान के चलिए आपके 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। खैर अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, बल्कि नेक्स्ट सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से, वह है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसके अंदर आप देख पा रहे हैं क्या क्या लिखा है। मीनिंग है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की, टाइप्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है, सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स है, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, अदर रिलेटेड अकाउंट्स जिसमें आता है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, कैश और बैंक अकाउंट्स, और उसके बाद कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट कि असेट्स के बारे में अगर कुछ ना बताया जाए तो मान लेना है कि उससे कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। और उसके अलावा बोला गया इट हैज इफ अ पार्टनर हैज बोर्न एंड और पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इट शुड बी स्टेटेड। अगर पार्टनर ने एक्सपेंस को अपने अकाउंट से पे किया है तो ये बातें क्वेश्चन में बता दी जाएंगी, अदरवाइज क्या माना जाएगा कि फर्म ने ही पे किया है। तो फाइनली डिसोल्यूशन ऑफ फर्म से कुछ डिलीट हुआ कि नहीं, तो ये जवाब है आपका, नथिंग इज डिलीटेड।
नाउ अब हम बात करेंगे कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे उसमें एक ही चैप्टर आता है डिबेंचर्स। हावेवर आप सभी जानते हैं कि डिबेंचर्स के दो चैप्टर्स होते हैं, एक इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, दूसरा आता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो अगर ध्यान दें तो डिबेंचर्स के इश्यू ऑफ डिबेंचर्स से क्या क्या पोर्शन पढ़ने हैं, तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एट पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट यानी नॉर्मल इश्यूज टू द पब्लिक, देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स प्लस कंसिडरेशन अदर देन कैश मतलब वेंडर्स को इश्यू किया, देन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन मतलब जो वेरियस केसेस होते हैं इश्यू एंड रिडम्पशन के उसकी बात हो रही है, देन रिडम्पशन डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी उसके कॉन्सेप्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स उसका राइट ऑफ करना, डिस्काउंट और लॉस ऑफ डिबेंचर्स को। तो कोलेटरल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है और डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स का राइट ऑफ करना है। और उसी के बारे में एक नोट्स भी दिया सीबीसी ने कि डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिटर्न ऑफ इन द ईयर ऑफ डिबेंचर्स आर अलॉटेड फ्रॉम द सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट और कैपिटल रिजर्व अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यानी कि जिस साल डिबेंचर्स को अलॉटमेंट किया गया, बेसिकली कहे तो डिबेंचर को जिस साल इश्यू किया गया उसी साल उस लॉस या उस डिस्काउंट के अमाउंट को राइट ऑफ कर देना है। पहले जबकि होता क्या था कि कंपनी उस डिबेंचर के लाइफ टाइम में उसको राइट ऑफ कर सकती थी, अब वो चीज नहीं करना है, ठीक है। और साथ साथ ये भी बोला गया है कॉन्सेप्ट ऑफ TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स इज एक्सक्लूडेड, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये सब चीजें हैं जो आपको इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या कहें तो कंपनीज अकाउंट से पढ़ने हैं, और जो कि एक ही चीज है अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ बात करते हैं क्या डिलीट हुआ है, तो डिलीटेड में ये है द होल चैप्टर ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, जिसके अंदर आपने पढ़ना होता था लमसम मेथड ऑफ रिडम्पशन एंड ड्रॉज ऑफ लॉट्स मेथड ऑफ पेमेंट्स। तो ये दोनों चीजें डिलीट होने का मतलब अपने आप में द होल चैप्टर ऑफ द डिबेंचर्स लास्ट पोर्शन दैट इज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स डिलीट हो चुका है। सिर्फ एक ही चैप्टर हमारे सिलेबस में रह गया जो कि है सामने आपके स्क्रीन पर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नाउ अब हम आते हैं अपने पार्ट बी के सेक्शन में जिसके अंदर पहला हिस्सा आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर पढ़ना होता है आपको टूल्स फॉर एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट जिसमें कंपैरेटिव है एंड कॉमन सेंस स्टेटमेंट, जिसका मतलब टोटल चार फॉर्मेट। एक पढ़ना आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक पढ़ना है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, थर्ड वन पढ़ना आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट और चौथा पढ़ना है कॉमन साइज बैलेंस शीट। इन चार में से एक ना एक फॉर्मेट चार नंबर का जरूर से जरूर आएगा ही आएगा आपके एग्जाम में, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर जरूर करिए। तो बात करते हैं यहाँ पे कुछ डिलीट हुआ कि नहीं, तो यहाँ से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ। नाउ अब हम बात करते हैं अपने सिलेबस के आखिरी पोर्शन की यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट की। तो इसमें है मीनिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि एज पर AS3 है रिवाइज्ड दैट इज इनडायरेक्ट मेथड ओनली। और नोट्स में लिखा है एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेप्रिशिएशन एमोर्टाइजेशन प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट डिविडेंड बोथ फाइनल एंड इंटरिम एंड टैक्स। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट को ट्रीट करना है एज शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स। करंट इन्वेस्टमेंट टू बी टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। तो यानी कि अगर हम ध्यान दें तो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, हर एक चीज हमको पढ़ना है। और रिगार्डिंग प्रपोज डिविडेंड यहाँ पे नोट्स लिखा गया है कि आपको एज पर AS4 ओनली प्रीवियस ईयर का ही प्रपोज डिविडेंड यूज करना है और करंट ईयर का प्रपोज डिविडेंड नहीं यूज करना है, ये मानते हुए कि उसका ट्रीटमेंट या अकाउंटिंग जो होगा वो नेक्स्ट ईयर में होगा। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं जो हमें CBC के द्वारा दी गई हैं जो हमें फॉलो करने हैं। तो आप अगर कभी मिसगाइड हो जाते हैं किसी अदर बुक्स से तो आप डेफिनेटली इस चीज़ को देखिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या उसका ट्रीटमेंट बताया है CBC ने। तो फाइनली यहाँ से भी कुछ डिलीट हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ से भी कुछ डिलीट नहीं है। तो ये था हमारे क्लास 12th का टोटल सिलेबस। अब इससे पहले कि वीडियो के हम आगे बढ़ें और क्लास 11th के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करें, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, साथ ही साथ इस वीडियो को आपको अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, दैट इज अबाउट टर्म 2 सिलेबस ऑफ क्लास 11। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द होल सिलेबस एज अ समराइज्ड वे कि क्या क्या हमें पढ़ना है अपने क्लास 11th के सिलेबस में। तो आप फिर देखिए एक बार 40 नंबर का ही सिलेबस है क्लास 11th का भी, जिसको तीन हिस्सों में बांटा गया है, 12 मार्क्स, 20 मार्क्स एंड 8 मार्क्स, जिसमें से 12 मार्क्स दिया जा रहा है अकाउंटिंग प्रोसेस के अंदर के दो चैप्टर्स में, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज और ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब कहने को तो एक 12 नंबर कम नहीं होता, लेकिन जिस हिस्से से 12 मार्क्स आ रहे हैं वो बड़े बड़े पोर्शंस हैं और साथ साथ टफ चैप्टर्स भी कह सकते हैं आप।
बिल्स ऑफ एक्सचेंज अपने आप में एक लेंदी चैप्टर है एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स तो नो डाउट एक टफ चैप्टर है, सब मिला करके आपको 12 नंबर ही मिल रहे हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 3 जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग पोजिशन है और कह सकते हैं ईजी भी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फ्रॉम कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ओवरऑल 3 चैप्टर्स यहाँ आते हैं लेकिन ये सब उतने टफ नहीं होंगे जितने कि आपको यहाँ पर टफ दिखाई देने वाले हैं, और मिलेंगे भी आपको मार्क्स बहुत अच्छे इसमें 20 मार्क्स, तो बहुत ही ज़्यादा वाइटल पोर्शन कवर होता है आपके इस सेक्शन में। एंड लास्ट ऑफ ऑल नन अदर देन कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग जिसमें 8 मार्क्स भी कैरी करता है। नाउ अब हम बात करेंगे क्लास 11th के डिलीटेड पोर्शंस की कि उसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। तो ये रहा वो शॉर्ट लिस्ट ऑफ डिलीटेड टॉपिक्स, तो जिसमें से BRS तो हमारा टर्म 1 का सिलेबस था वो छोड़ दीजिए। बात करते हैं टर्म 2 के सिलेबस में से, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज से इन 2 टॉपिक्स को डिलीट किया CBC ने, बहुत बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ बिल एज वेल एज रिन्यूअल ऑफ बिल। रिन्यूअल ऑफ बिल कोई खास बड़ा टॉपिक नहीं है, फिर भी 2 ये चीज़ें डिलीटेड हैं हमारे सिलेबस में से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से। नाउ पार्ट बी की बात करते हैं यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 2, तो उसमें आता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कंप्लीट रिकॉर्ड, जबकि आप देख सकते हो उसका लिस्ट में कोई जिक्र नहीं है, इसका मतलब उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है। और जब बात करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो उसमें एक लिस्ट बना है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि जो कन्वर्जन मेथड है वो डिलीटेड है। और उसके अलावा कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इतना सब कुछ है जिसको पढ़ने में मुझे लगता है अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा, तो आप सब लोग इसको जरूर से जरूर वीडियो पॉज करके देख लीजिए, नहीं तो वीडियो अननेसेसरी लेंदी हो जाएगी। तो ये चीज़ें हैं जो डिलीट हुई हैं हमारे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में से। चलिए अब हम बात करेंगे डिटेल में अबाउट द सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा था डिलीट क्या हुआ ये तो जान लिया, बट पढ़ना क्या वो भी जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पहले चैप्टर सिलेबस में यानी कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हमें पढ़ना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के बारे में, डेफिनेशन, उसके स्पेसिमेन, फीचर्स और पार्टीज उसके कौन कौन से होते हैं, फिर डिफरेंस बिटवीन द टू दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, फिर टर्म्स इन बिल ऑफ एक्सचेंज में जैसे टर्म्स ऑफ बिल, एकोमोडेशन बिल, इसका ओनली कॉन्सेप्ट कोई अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं, डेज ऑफ ग्रेस, डेट ऑफ मेच्योरिटी, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, एंडोर्समेंट ऑफ बिल, बिल आफ्टर ड्यू डेट, नेगोशिएशन, बिन सेंड फॉर कलेक्शन, डिसऑनर ऑफ बिल और इनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। लेकिन ध्यान रखना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं पढ़ना है ऑफ एकोमोडेशन बिल। ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डिटेल। और जब बात करते हैं ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ट्रायल बैलेंस के नाम से एक चैप्टर आपका टर्म 1 के लिस्ट में था लेकिन टर्म 1 में पढ़ना नहीं था उसको, मतलब जो आपके टोटल चैप्टर्स थे उसके बीच में BRS के ही पहले एंड आफ्टर लेजर अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस नाम का एक चैप्टर था और वहां उसमें लिखा था ट्रायल बैलेंस एंड एरर्स, वो चैप्टर टर्म 2 का हिस्सा यानी अब पढ़ना है अलॉन्ग विद द रेक्टिफिकेशन, क्योंकि उसका बेस वहीं से आता है। तो अब इसमें पढ़ना है ट्रायल बैलेंस के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव, उसका प्रिपरेशन, और ट्रायल बैलेंस विद बैलेंस मेथड ही सिर्फ पढ़ना है, जो अदर मेथड्स हैं उसके टोटल मेथड और टोटल कम बैलेंस मेथड उसको नहीं पढ़ना। फिर एरर्स के बारे में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एरर जिसमें एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, प्रिंसिपल्स के एरर्स हैं, कंपनसेटिंग एरर्स हैं, उनके इफेक्ट्स क्या पड़ते हैं ट्रायल बैलेंस पर वो समझना है, एंड देन डिटेक्शन एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट। तो ये सब है सिलेबस जो हमें पढ़ने हैं अंडर द 2 चैप्टर्स या कहें तो 3 चैप्टर्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ट्रायल बैलेंस एंड देन रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब जानते हैं इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है। तो कंक्लूजन ये है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज से क्या डिलीट हुआ, तो रिटायरिंग ऑफ बिल डिलीट हुआ एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, साथ ही साथ जो लास्ट में यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ एकोमोडेशन बिल बोला गया था नहीं पढ़ना है, तो ये भी डिलीटेड ही आप मान सकते हैं। इसके अलावा और अगर हम बात करें तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की बात करें तो उसमें कुछ भी डिलीटेड नहीं है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट भी बनाना है, रेक्टिफाई तो करना ही करना है, इसका मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के चैप्टर से नथिंग इज डिलीटेड। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं हम अपने चैप्टर, वह है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो इसके अंदर मीनिंग पढ़ना, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंस पढ़ना है, रेवेन्यू कैपिटल रिसिट्स के बारे में जानना है, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, साथ साथ ग्रॉस प्रॉफिट का कैलकुलेशन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट का कैलकुलेशन, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रिपरेशन इन द फाइनल अकाउंट्स, उसका एक लिस्ट बताया गया है, क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड इनकम, इनकम एडवांस, डेप्रिशिएशन, बैड डेट्स, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, एबनॉर्मल लॉसेस, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मैनेजर्स कमीशन।
फिर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट ऑफ सोल प्रोप्रेटरशिप विद एडजस्टमेंट और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में फीचर्स रीजन लिमिटेशंस एंड असर्टेनमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड ओनली, कन्वर्जन मेथड नहीं है। तो इतना बड़ा लिस्ट है, ये सब कुछ पढ़ना है तो नो डाउट 20 मार्क्स इस सेक्शन में है तो इतना कुछ तो पढ़ना ही पड़ता है। इसके अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट टू वन भी आ गया और पार्ट टू भी आ गया और उसके अलावा इनकम्प्लीट रिकॉर्ड तो अलग से अवेलेबल है। तो अब समराइज करते हैं कि इसमें क्या क्या है जो डिलीट हुआ है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल ट्रेड जो था हमारा पार्ट वन एंड टू, उसमें से कुछ भी डिलीटेड नहीं है, यानी कि ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट एज इट इज पढ़ना है, थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल। उसके अलावा जो पार्ट टू उसका है विद एडजस्टमेंट, वो भी बिल्कुल वैसे ही पढ़ना है। नाउ बात करेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, तो इसमें क्या डिलीट हुआ। तो इसमें डिलीट हुआ है डिफरेंस बिटवीन अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, देन प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, यानी कि कन्वर्जन नाम का मेथड एक हमारे इस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के चैप्टर में होता है जो कि डिलीट है फिलहाल टर्म टू के सिलेबस में से। नाउ बात करेंगे अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना है। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में जो पढ़ना है वो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स एलिमेंट्स कैपेबिलिटीज लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ये बेसिक बातें हैं जो सबको मालूम है कंप्यूटर्स के बारे में। फिर स्कोप दिया गया, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, यानी कुछ खास चीज नहीं है जो हमें पढ़ना है अकाउंटिंग कंप्यूटर्स इन अकाउंटिंग के बारे में। और अगर समराइज में फिर बात करें कि डिलीट क्या हुआ है, तो वो ऑलरेडी मैंने स्नैप बताया था, वही वापस मैंने यहाँ लगा दिया है अबाउट द डिलीटेड पोर्शंस फ्रॉम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इन क्लास 11। तो ये सब चीज़ें हैं आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस में से डिलीट हो गई हैं फ्रॉम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, यानी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी आपको स्कोर करना बहुत ईजी है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प, एक बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटी वाला पार्ट है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्लास 11 के सिलेबस में से। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया डिटेल में अबाउट द सिलेबस जो हमें पढ़ने हैं क्लास 11th एंड 12th के अकाउंटेंसी में, एज वेल एज अबाउट द रिलेटेड पोर्शन फ्रॉम द सिलेबस। होप सो यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर एंड बाय बाय।